हाँ ठीक है भाई, गलती हो गई, यूपी के हमीरपुर जिले में लड़की के साथ दरिंदगी का शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 6 में से 5 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। हमीरपुर के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया है। बता दें कि हमीरपुर के एसपी ने बताया कि 16 अगस्त को पीड़ित लड़की अपने दोस्त के साथ शहर के बाहर स्थित सिटी फॉरेस्ट में घूम रही थी, तभी 6 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों की बेरहमी से पिटाई की। इसके साथ ही लड़की के कपड़े उतारकर उसके साथ अश्लीलता करते हुए हैवानियत का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। यह शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। इस मामले में हमीरपुर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वीडियो में दिख रहे 6 दरिंदों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और 6 दरिंदों में से 5 को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। 3-4 गाँव के लोग और 2-3 लड़के वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने उन लड़के और लड़की के साथ मारपीट की, उनसे पैसे की मांग की और उनके साथ बदतमीजी की। पर वीडियो के द्वारा संबंधित लोगों की पहचान कर 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अपराधियों में से 2 नाबालिग हैं, जिन्हें मीडिया के सामने नहीं लाया गया है। पीड़ित लड़की और उसके दोस्त का अब तक पता नहीं चल सका है कि पीड़ित लड़की कौन थी और कहां की रहने वाली थी। एसपी शुभम पटेल ने बताया कि पीड़ित शहर से बाहर की भी हो सकती है, उसकी तलाश की जा रही है। लड़की का पता चलते ही उसको न्यायालय में पेश कर उसके बयान दर्ज करवाए जाएंगे, तभी पता चलेगा कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ या नहीं। बता दें कि हमीरपुर में 16 अगस्त को एक लड़की अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी, तभी 6 युवकों ने लड़की और उसके दोस्त की पिटाई की और लड़की के कपड़े उतरवा कर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इनमें से 2 नाबालिग हैं। उसके अलावा पुलिस अब लड़की और उसके दोस्त की तलाश में जुटी है।